ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम हुम हनुमतये नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम मातेश्वरी नमो नमः, ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल और स्वावलंबन गुरुकुल। देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाना, रोजगारक्षम बनाना हमारा मकसद। तो चलिए प्यारे मेरे मकुर भाई लोग, मटका भाई लोग, मछली मीन वाले और आने वाला समय में मेष, ये मेरा टारगेट ग्रुप है। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल दिखाई दे रहा है सिंह राशि का, हालांकि पहला फेज में पेनफुल नहीं होगा, उसके बाद थोड़ा सा होगा। तो अभी से आप लोगों को अलर्ट अवेयर करना, मेरा गुणधर्म स्वभाव है, चला रखा हूं। तो चलिए पहले मकरू से शुरू करते हैं। इस बार का गणपति पूजा सभी को बोल रहा हूं, 12 राशि वाले सुन रहे हो तो 12 राशियों को बोल रहा हूं, लेकिन मेरा इस चैनल का मेन मकसद शनि साढ़े साती और ढैया कंटक पनौती। तो पनौती अभी तो तुला में चल रहा है, आगे चल के वृश्चिक में चलेगा, ढैया धनु में हो जाएगा, सिंह में हो जाएगा। ये गणपति पूजा बड़ा माने रखता है। मुख्यतः तीन अग्नि तत्व राशि जैसे कि मेष, धनु, सिंह, इनका आने वाला समय में साढ़े साती ढैया लगेगा। अभी से अगर आप अपने को अच्छा बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मस्त चलोगे। नहीं बना लिए तो आगे चल के आपको ये परेशानी में डाल सकता है। मकरू वालों का इस समय वर्तमान परिस्थिति में इस गणपति पूजा चित्रा नक्षत्र में और स्वाति नक्षत्र में आ रहा है। आप शायद स्वाति को जानते होंगे, मैं कई बार स्वाति नक्षत्र के बारे में बोला हूं, जातक स्वाति नक्षत्र का जलपान करता है वगैरह वगैरह बहुत सारा बात है। जैसे मैं कल आप सबको विनती किया था कि आप लोग जरूर, जो लोग माताएं हैं, तीज व्रत, बाली तृतीया व्रत हमारे उड़ीसा में होता है, आप जरूर करें, और उसका महत्व मैं बताया था। ऐसे ही श्री गणपति पूजा आप लोग गणपति सिद्धि इस 10 दिन को जरूर करें। देखो ये सब बोलते ही आप लोग फिर मेरे पास बोलते होगी, गुरु जी कितना पैसा भेज दें, हमारे लिए कर दीजिए। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं मैं पहले से बता दूं, एक तो मैं आपका पैसा का कोई आशाई नहीं हूं और ना ही मेरा ये व्यवसाय है, मेरा ये पूजा है और मैं व्यवसायी नहीं हूं, तो और मना भी नहीं कर सकता किसी को। कोई श्रद्धा पूर्वक जैसे माँ बगलामुखी के लिए पूछ रहे हैं कितना रुपया, कोई रुपया नहीं, एक रुपया भी भेज दो ठीक है, नहीं भी भेजो नाम गोत्र भेज दो कर देंगे। गणपति पूजा में भी यही है, अभी 10 दिन तक मेरा हमारे यहाँ हवन चलेगा, पूजन चलेगा वगैरह वगैरह, जो जितना हो सकता है। हालांकि हमारा सिद्ध गणपति होता है और विघ्न विनाशन वही एक ही है, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि 27 नक्षत्र का 27 गणपति होते हैं वगैरह, बहुत सारा विषय है, अभी वो गणपति का विषय लंबा ले का मतलब होता है। मैं यहाँ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि माय डियर्स, जो लोग भी शनि को डर रहे हो या आने वाला साढ़े साती ढैया को डर रहे हो, या इस मकर राशि वालों का जो अभी एक गोल्डन पीरियड आना चालू हो रहा है, देखो भाई मंगल छठा सप्तम का गोचर है, बकरी मार्ग की गोचर है, जरूर सप्तम में जाएगा, सप्तम का भी कुछ फल करेगा, लेकिन अल्टरनेटली इसको तो छठा का ही गोचर कहा जाएगा पूरा जून जून जुलाई तक, आगे जाएगा पीछे आएगा। और इसमें जो मकर राशि को सबसे ज्यादा सावधानी यह है कि मंगल जहां बैठता है उसका पीछे का घर बर्बाद करता है और शुक्र जहां बैठता है उसका आगे का घर का फल देता है। एक सूत्र है, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन देखा गया है इस समय। और इस कंडीशन पे आपके जीवन का जो प्रगति का, मैं सभी साढ़े साती वालों को कह रहा हूं, मकर कुंभ मीन और मेष, मुख्यतः तो मकर को यहां संबोधन कर रहा हूं क्योंकि आदत हो गया है मकरू मकरू बोलते बोलते, है ना, बाकियों को भी बोल रहा हूं, हालांकि उसका ट्रैफिक मेरे चैनल में कम है, लेकिन आप समझ लो ना। जब भी इस समय आपको प्रोग्रेस आएगा तो विघ्न आएगा, और विघ्न से बचने के लिए, यानी विघ्न नहीं आए और
आपका काम आराम से हो जाए तो विघ्न विनाशन का शक्ति के बिना नहीं जा सकते। तो मेरा अनुरोध है कि इस 10 दिन का साधना को सबसे पहला गणेश अथर्व शीर्ष से करें। और आपको पता हो नहीं हो, एक दिन का गणपति पूजन आपके साल भर का विघ्न का नाश कर देता है। एक सज्जन एक बार मेरे को कॉल किए थे कि मैं बड़ा मेडिसिन कंपनी खोला हूं लेकिन मुझे इतना बाधा विघ्न आते हैं कि मेरा काम नहीं बनता है। तो मैं बोला फैक्ट्री जब खोले थे तो उसका विघ्न विनाशन के लिए क्या किए थे? तो बोले कुछ नहीं किया था। यही वो मौका है जहां पर विघ्न नाशक विघ्नेश्वर का, गणपति का, अगर आप साधना करते हो पूजा। मैं उसके ऊपर एक लंबा वीडियो दिया हूं, सिद्ध गणपति कैसे करोगे, अर्क गणपति कैसे करोगे, हरिद्रा गणपति कैसे करोगे, गोबर गणेश कैसे करोगे, मैं उसका फोटो वीडियो भी दिया, मेरे पास जो है मैं दिखाया था अभी। तो आप लोग अपने लेवल पे करें। महाराष्ट्र वाले देखिए कितने प्रोग्रेस में है गणपति को लेके, गणपति को लेके, और कितना बड़ा गणेश। मैं मुंबई में गया तो कितना बढ़िया भगवान गणपति का मंदिर है। तो आदो गणेश, आदो विनायक, और गणपति को जो नहीं पकड़ता है किसी पूजा पाठ में सफलता नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का साधना सिद्धि में सफलता नहीं मिलता है। ये बोला हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको इतना ये कहना चाहूंगा कि कल दिन भर गणपति बीज मंत्र का जाप करें और गणपति का वंदना करें, भगवान गणपति का पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी आपसे क्षमता बनता है जरूर करें। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो गणपति, मेरे प्यारे मकरू लोगों को बात कर रहा हूं और बाकी सभी को बोल रहा हूं, पक्का करो आप। मैं कभी मौका मिलता तो बोलता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अभी व्यस्त हैं पूजा पाठ में, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं, शॉर्टकट में बता रहा हूं। असंभव को संभव करने वाला गणपति होते हैं और कलो चंडी विनायक, बिना गणपति का कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं और विस्तार नहीं करके इतना ही बात बोल रहा हूं कि प्लीज 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 गणपति कल बढ़िया से अनुष्ठान करें। एक दिन का गणेश साधना साल भर का शक्ति क्षमता बुद्धि को दे देता है, इतना ही बस। नेक्स्ट, अभी मकरू वालों का दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। एक, किसी किसी का मंगल और सूर्य और बुध का गोचर के अनुसार, अभी उतना डिटेल नहीं कर रहा हूं, कामना वासना में वृद्धि। दूसरा है द्रव्य प्राप्ति योग। तीसरा है आध्यात्मिक रुचि। ये तीन बढ़ चुका है, बढ़ने वाला ही, आगे चल के बढ़ेगा। नवम का केतु के ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि, और उसमें स्वाभाविक बात है उस हाउस का एनर्जी कुछ ऐसा बता रहा है जहां पर मंगल बृहस्पति का दृष्टि, नवम भाग्य, धर्म भाग्य, पिता एक्टिवेट कर रहा है मंगल का स्थिति, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। आध्यात्मिक में अभिरुचि हो रहा है तो वेद वेदांत का अध्ययन करें, भागवत जी का अध्ययन करें, या पाठ का आज का यूट्यूब योगात है, जो जिसको अच्छा लगे श्रवण करो और समझ में आ जाए तो बढ़िया। लेकिन याद रखना, यूट्यूब एक मशीन है, ये जो भी नेट वगैरह है ना, ये मशीन है, मशीन में चेतना नहीं रहता है, तो चेतना विहीन पूजा पाठ जब तक हवन यज्ञ कर्म परिणाम कुछ नहीं होता है। तो मैं कहूंगा पाठ करो। दूसरा, संभव है तो आसपास कोई गुरु है तो जाओ उनसे सुनो। तीसरा, आप लोग जरूर इस समय अगर आपके पास क्षमता है, पैसा है, तो छोटे बड़े लेवल पे आध्यात्मिक उन्नति प्रगति के लिए कोई भी भागवताचार्य को आमंत्रण करें, भागवत कथा प्रवचन कराएं। मैं अभी गणपति पूजा अवसर का नहीं कह रहा हूं, बाकी का कह रहा हूं। और अगर संभव है इस 10 दिन में अगर आपके पास कोई ऐसे, जैसे भागवत कथा, श्रीमद भागवत गीता कथा, देवी भागवत कथा, ये सब हम करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, या रामायण जी का कथा, या ऐसे ही गणपति कथा, गणेश का कथा अगर संभव हो तो, बड़ी वेदांत क्षेत्र में चलता है गणपति में, विनायक व्रत कथा एक हमारे यहाँ है, तो ऐसे कथाओं को अगर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है आज का डेट में इसमें पैसा, ताकि आपको और विधान डिटेल पता चले। हालांकि यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन किसी गुरु से, किसी चेतना से, किसी साधक से
देखिए मेरे पास सिद्ध गणपति का जो मूल साधना आज से नहीं, मेरा जब से गुरुमुखी हुआ तब से चल रहा है। तो अर्क गणपति और कई प्रकार के मेरे पास कलेक्शंस हैं, गोबर गणपति, हरिद्रा गणपति वगैरह वगैरह। तो आप लोग कोई भी एक साधना, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, समाधि इत्यादि के लिए बिना गणपति का संभव नहीं। क्योंकि मूलधार क्षेत्रे सहस्र शुंड वाला गणेश भगवान बैठे हैं, और हर एक नक्षत्र का अलग अलग गणपति है। समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं आप अपने नक्षत्र का ढूंढ लो, एक एक का भी बोलने लग जाओ बड़ा लंबा समय लग जाएगा। उस गणपति का स्थापना कर लो, फिर देखना कि एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार क्या है। जैसे मेरे मुंह में हमेशा रहता है कि अगर धनिष्ठा नक्षत्र वाले त्रिमुखी गणपति मिल जाए और प्रतिष्ठा कर लो, फिर मैं कहता हूं जिंदगी भर और कोई भी कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं होता है, संभाल लेता है त्रिमुखी गणपति, हर बाधा विघ्न को हटा के एकदम खत्म करता है। तो इस समय तीन चीज मैं बता दिया ऑलरेडी, एक बिंदु और, ये सभी राशि वालों को बोल रहा हूं, और मुख्यतः कर्क का द्वादश में मंगल, मिथुन का द्वादश इंपैक्ट हो रहा, इफेक्ट हो रहा है वृषभ राशि, मंगल का दृष्टि वृश्चिक में, ए मंगल का दृष्टि मिथुन से धनु में और मकर में और सिंह में। इतना राशि वाले एक्सीडेंटल इंपैक्ट से सावधान रहे। एक गधा को एक बार गाड़ी ठोका तो बोला देख ऐसा ऐसा हो, थोड़ा सा गुड़ लेके गाय को खिला देना और हरा घास खिला देना। ना हम लोग नहीं मानते, हम लोग तुम लोगों का हिंदू धर्म का नहीं, मतलब कोई बात नहीं बेटा, चलो आज सुबह सुबह मिल रहा हूँ, सर में यहाँ मारा चोट और लगाया एकदम यहां से यहां तक स्टिच, बोले आप जैसे बोले थे गुरु जी ऐसा हो गया, अब मानता है, अब गुड़ खिलाने में दर्द है? मैं बोले डॉक्टर के पास खर्चा किया ना, मजा लगा 5-6 हजार रुपया और दर्द भूग रहे, उस समय गुड़ खिला दिया होता तो बच गया होता। गदारद सरस्वती की हाँ, अब हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत करो, बहुत हो गया, वो लोग वो तुम लोग बनाए हो, वो लोग नहीं बनाए हैं, वो हैं। सुबह उठते हो सूर्य देखते हो, चंद्रमा देखते हो, नवग्रह हैं, शुक्र देखते हो, सारे ग्रह आकाश में हैं, अपना फल करते हैं। व्हीकल एक्सीडेंट भी थोड़ा सा, टांग टूंग तोड़ना, हाथ फोड़ फोड़ना, बा थोड़ा सा सावधानी बरतें और मृत्युंजय मंत्र करें, और घर से जब बाहर निकलते हो थोड़ा पानी लेना, मृत्युंजय मंत्र करके 3 बार फूंक मारना है और उत्तर पूर्व पूर्व या दिगबंधन करके निकलना है। गाड़ी वगैरह भी चलाते हो तो थोड़ा सा बोतल में, या आपके पास गड़ू वगैरह लोटा वगैरह होगा तो थोड़ा सा पानी का गाड़ी को दे के गायत्री मंत्र में या मृत्युंजय मंत्र में, या फिर जिनको पता है रक्षा मंत्र, रक्षा करना मंत्र उसमें डाल दीजिए। और कुछ नहीं मिलता है तो दस दिगपाल रक्षा रूप रूप फट करके ऐसा करके भी डाल सकते हो, इस प्रकार से बच सकते हो। गाड़ी वगैरह जब चला रहे हो तो आपको थोड़ा सा मृत्युंजय मंत्र का कंटिन्यूअस मानसिक जाप थोड़ा सा करते रहना बड़ा आवश्यक है। मृत्युंजय मंत्र में बहुत दम है आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए, और संभव हो तो सिद्ध हनुमान यंत्र कवच, वो तो ज्यादा कॉस्ट पड़ता है आजकल, 9-10 हजार रुपये का मिक्सिंग खर्च रहता है, लेकिन आपका प्राण से तो वो कवच का कम नहीं है। मैंने ऐसा गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आप 100% सेव हो जाओगे, पागल जैसे गाड़ी चलाओगे, दारू पी के चलाओगे, लेकिन गाड़ी में अगर ऐसे कवच अगर आप लगा देते हो गाड़ी में लाल सुता में, तो संभवतः ऐसे ग्रह गोचरीय स्थित का एक्सीडेंटल इफेक्ट से बच सकते। और इसमें सिद्ध गणपति का भी अगर यंत्र लगा देते हो तो भी, और इस गणपति पूजन में अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या मन पढ़ाई से भटकाव होता है, तो जैसे अभी 10 दिन में हम लोगों का जो लोग गणपति यंत्र निर्माण करते हैं, गणपति कवच, बच्चों को जरूर धारण कराएं। आप लोग भी उधर बना सकते हो, उसमें
सिद्ध अर्क गणपति का जो मैं बताया था कलेक्शन, उसके अंदर, उस कवच के अंदर, और गणपति मंत्र आहुति का यहाँ वहाँ पर थोड़ा सा शमित वगैरह लगता है, जड़ी बूटी वगैरह लगता है, और हवन का सामग्री भी है, राख वगैरह लगता है, और गणपति यंत्र का स्थापना करके उसमें गणपति यंत्र रहता है। आप भी अगर गणपति यंत्र जानते हो, अंदर भूज पत्र में भी, और उसमें लेके अंदर, उसके अंदर डाल दोगे तो आप बना सकते हो। और उसमें आहुति कम से कम 1,000 से लेके 10,000 तक का आहुति दे के सिद्ध गणपति यंत्र का स्थापन बनाया जाता है। आप लोग, मैं बता दिया, बना सकते हो। और फिर वहां पर कोई मेरे को ये बोलना नहीं है कि रेट कितना है क्या है। आज के डेट में आप सोचो, सामान्य पूजा के लिए पंच मुरुज खरीदने जाते हो, इतना थोड़ा सा देता है तो उसका दाम 100 रुपया है मार्केट। तो अभी वो मैं, आई एम, इट इज नॉट माई धंधा, ठीक है। तो आज के डेट में एक सामान्य यंत्र का बनाने में, अगर सिद्ध और पूजा और हवन करने में 10 दिन तक का लिए, तो आप जानते हो खर्चा कितना हैवी होता है। तो मैं पद्धति बता दिया, आपके बच्चों का अच्छा पढ़ाई, मेमोरी पावर वृद्धि, उसमें मृदधारक भी डाला जाता है, आप भी डाल सकते हो मृदधारक का, अगर आपके पास कलेक्शन है तो। नहीं है तो मैं तो आपको कब से बोला हूँ, शनि पुष्या जब पड़ा 31 अगस्त को, उससे पहले दो दो वीडियो बनाए, अगर नहीं करोगे तो क्या कर सकते हैं। और ये सारा उसमें, उसके अंदर कलेक्शन करके बच्चों का पढ़ाई अच्छा होने के लिए उसको, उस कवच का धारण कराया जाता है कि बच्चे अच्छे पढ़े, मन पढ़ाई में लगे। और बहुत से लोग अच्छे अच्छे रिपोर्ट दे रहे हैं, जिनको जो भी मैं कवच दिया हूँ, अमेरिका वाला भाई साहब भी बोले, यार सही बात है, 3 साल के अंदर मेरे को कवच का ताकत पता चल गया, आपको बहुत धन्यवाद, और उसके लिए मुझे स्पेशल गिफ्ट और पैसा भी भेजे थे। और 3 साल पहले उनके साथ मेरा लिंक लगा था, तो अभी वो ढूंढ ढांड के मेरे को फिर से फोन करवाए थे, तो अपॉइंटमेंट लेके बाइज्जत मेरे सेक्रेटरी के माध्यम से बात कराए। तो देख रहा हूँ रिजल्ट तो मिल रहा है। हाँ, बाई चांस किसी किसी को नहीं मिलता है, वो रेयर 100 में से 1-2 जिसका विश्वास नहीं है, वो तो अलग। तो ये गणपति पूजा में कवच का बात बता दिया, एक्सीडेंट का अभी जो कंडीशन चल रहा है इसमें बता दिया। और याद रखना, गणपति का 10 दिन का अनुष्ठान करते हो तो मेरा चैलेंज है, मैं देखा हूँ, एक तो नवरात्र में देखा हूँ, दूसरा शिवरात्रि में देखा हूँ, तीसरा श्रावण महीना का अनुष्ठान में देखा हूँ, चौथा ये गणपति अनुष्ठान में देखा हूँ। 10 दिन अनुष्ठान में अखंड दीप जला के बैठ जाओ, अगर नहीं भी पूजा जानते हो, गणपति को सामने प्रतिमा रख के दिया जला के एक टक देखते रहो, त्राटक करते रहो, गणपति त्राटक करते रहो, मेरा चैलेंज है, 100% चैलेंज बोलता हूँ। इतना ही कर लो, पूजा पाठ नहीं जानते हो तो भी फोटो रख के भी एकदम देखते रहो 10 दिन तक, राइट टाइम में अखंड दीप जला के। तो दस दिन के बाद आप देखना, जिंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़े सारे ऑप्शंस आपके पास खड़े रहेंगे, पॉजिटिव ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज। और नहीं आना होगा तो दिया बता देता है कि नहीं आएगा बोल के। और हमारे यहाँ तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनके नाम पे दिया जलता ही है, नवरात्र में भी जलता है, रुद्राभिषेक में तो पूरा 1 महीना तक वो लोग डालने के भेजे थे, तो जला है, प्रज्वलित किया गया था, अभी गणपति के लिए भी चलेगा। इन सारे बिंदुओं, विषय बिंदु के साथ, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस विषय को यहाँ विराम करने से पहले इतना जरूर आप सबको अनुरोध करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, फॉलोअर्स, मेरे, मुझे प्यार करने वाले, मुझे मानने वाले, मुझे भक्ति करने वाले, इस गणपति का, इस गणेश चतुर्थी से लेके आगामी 10 दिन तक इस समय को प्लीज व्यर्थ जाने ना दें, और इसका सदुपयोग करें। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पूजा पाठ, यज्ञ हवन करोगे, दिया जलाओगे, गणपति को बहुत खर्चा करोगे, लड्डू मोदक दोगे, तभी गणपति सुनेंगे। नहीं, आपका भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। मैं कभी भी उसका फॉर्म में नहीं रहता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी इमरजेंसी नहीं होने से किसी को नहीं कहता कि 1,00,000 रुपया खर्चा करके पूजा पाठ में खर्चा करो। गणपति को आपका पैसा का जरूरत नहीं है, आपका भाव, भक्ति, समर्पण चाहिए। आपका समय मांगते हैं, आपका ध्यान मांगते हैं, आपका पाठ मांगते हैं, आपका शरणागति मांगते हैं। बस गणपति गणपति हैं, और बाल गणपति का कर लिया तो क्या बताएं। तो यहाँ हर प्रकार का गणपति, चाहे वो चिष्ट गणपति हो, हालांकि वो तंत्र मार्ग में चला जाता है, तो सौम्य मार्ग में भी आप अगर साधना करते हो तो
बहुत गुण में फल मिलता है। और याद रखना, इस गणपति का साधना नहीं करते हो तो बाकी फिर ना वो कोई भी आपका पितृपक्ष हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे काली वाला, अभी तो काली भी पूजा भी सामने आ रहा है, उनका ज्यादा फल नहीं मिलता, ऐसा कहना तो गलत हो जाएगा, लेकिन उस लेवल का नहीं मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।